गुड इवनिंग आप सभी को. माय नेम इज प्रेम लाडन और मैं गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला में पढ़ती हूँ. और हम सभी एक्चुअली मैं हम सभी गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला के स्टूडेंट्स हैं. और देखा जाए तो अरुणाचल हम लोग का जो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में है एक ही कॉलेज है. और उसमें भी इस बार का जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें हम लोग सभी का स्टूडेंट्स का राइट्स नहीं मिल रहे वोटिंग के लिए. तो देखा जाए तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली हम लोग का कॉलेज में 700 स्टूडेंट्स है. नॉन ट्राइबल को हटा के हम लोग 600 वोटिंग जो राइट्स है 600 वोट जो हम लोग इस बार इलेक्शन में एक्चुअली में जाना चाहिए पर कहीं ना कहीं डेलीगेट करके इलेक्शन कमीशन लोग ने ऐसे बना दिया है कि सिर्फ 450 स्टूडेंट्स को राइट्स दिया जाएगा वोटिंग के लिए. और कम्युनिटी बेस में हम लोग का मतलब वोटिंग वोट को बांटा गया है उन्होंने. तो हम लोग अभी स्टूडेंट्स की तरफ से कहीं ना कहीं हम लोग अभी हम एक स्टूडेंट्स है. एज ए स्टूडेंट्स हम अपना राइट्स को कभी डिप्रेड नहीं करते. हम बचपन से अपना राइट्स को हमेशा लड़ते आए हैं. तो आज अभी ऐसे मौके में हम लोग ऐसे नौबत आ गई कि हम लोग अपना राइट्स के लिए हम लोग ये अरुण भूमि में प्रेस ब्रीफिंग रखना पड़ रहा है. तो कहीं ना कहीं ऐसे कि किसी का हक नहीं बनते कि हम लोग जो स्टूडेंट्स है उसका वोटिंग राइट्स को छीना जाए. एक कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तो हम लोग यहाँ पे किसी का हक नहीं बनते कि हम लोग वोटिंग राइट्स छीना जाए. तो मैं हम लोग जो स्टूडेंट्स का जितने भी लीडर्स है जैसे आपसू है वो लोग से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग जो स्टूडेंट्स का राइट्स है उसको हम लोग फुलफिल कराओ. क्योंकि कहने का ऐसे है कि अभी ये चीज में हम लोग का राइट्स नहीं मिल रहे हैं. तो अभी प्रेसिडेंट को अगर 450 स्टूडेंट 600 स्टूडेंट है उसमें से 450 स्टूडेंट सिर्फ प्रेसिडेंट को चुनेगा तो जो 250 स्टूडेंट है 200 स्टूडेंट्स है वो लोग से स्टूडेंट्स नहीं है कि वो लोग का राइट्स जो कहाँ जाएगा. तो कहने का हम ऐसे है कि हम खुद का राइट्स को लेके आया था पर कहीं ना कहीं आज हमको मौका मिल रहा है कि हम लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज का उसका राइट्स को हम आप लोग ये आपसू के तक पहुँचाना चाहते हैं. तो मेरा लास्ट ये है कि आपसू से हम लोग आप लोग से मतलब वही मदद चाहिए कि आप लोग को मतलब इंटरवेंशन चाहिए हम लोग का यहाँ पे क्योंकि हम लोग को मतलब हम लोग को राइट्स दिलाने के लिए आप लोग थोड़ा सा मदद कर दीजिए हम लोग और हम लोग ओपन टू ऑल कर दीजिए जितना जल्दी हो सके बिफोर इलेक्शन. ये हम लोग जो ओपन टू ऑल नहीं होने के लिए जो हम लोग डिक्लेयर किया गया है उसको जल्द से जल्द वो करने के लिए कोशिश करिए आप लोग. मतलब वोटिंग जो है ओपन टू ऑल होना चाहिए. हाँ. तो अभी किस तरह से वो लोग तय किया है वोटिंग किस तरह से होगा. अभी वोटिंग जो ऐसे कम्युनिटी बेस की जैसे कि मोनपा जो मोनपा कम्युनिटी है वहाँ से 50 वोट्स आएगा और जो कलेक्टर 50 वोट्स आएगा ऐसे ऐसे कम्युनिटी बेस में हम लोग का जो वोटर्स है उसको बांटे गया है. तो हम लोग वही चाहते हैं कि सबको ओपन टू ऑल सबको इक्वल राइट्स मिले. आप लोग सभी को आज हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि जो हम लोग का ऑल वेस्ट कमिंग स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होने जा रहा है इलेक्शन कम सिलेक्शन ये इसके लिए बैठा हुआ है. तो इसमें जो ऐसे है कि हम लोग मेन मुद्दा ये है कि हम लोग कॉलेज का वोटिंग राइट ओपन टू ऑल होना चाहिए. सबका हक है कि अपना अच्छा वो सही लीडर को चुनने का. वो अभी ऐसे सिचुएशन हो गया कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को मैक्सिमम स्टूडेंट को वोटिंग राइट नहीं दे रहे आज का डेट में. ये लोग ऐसे बना दिया कि कहीं ना कहीं हम लोग का ये वेस्ट कमिंग कॉलेज हम लोग हमेशा से एक यूनिटी में अच्छा से बैठ के आया है. कभी भी हम लोग भेदभाव नहीं किया तुम अलग टाइप के अलग कम्युनिटी के कभी भी हम लोग ये सब चीज़ को देखा नहीं है. लेकिन ये इलेक्शन का चलते हुए पता नहीं कैसे जो भी कमेटी वाले ये लोग ऐसे डिसीजन लिए है कि हम लोग कमेटी बेस में बात किए इन लोग ने हर कमेटी से 50-50 स्टूडेंट सेलेक्ट करने के लिए बोले. तो हम लोग आईकार्ड में कहाँ में लिखा है कि मतलब हम लोग ये कमेटी का है ये कमेटी का है ऐसे कुछ भी नहीं है. जब हम लोग एक कॉलेज में आ जाते तो हम लोग सब एक इक्वल है एक समान है हम लोग सब एक भाई बहन है. हम लोग एक भाई बहन का रिश्ता नहीं बात हम लोग एक ही कॉलेज में बैठते हैं. तो आज का दिन आंसू इलेक्शन को चलते हुए हम लोग जो हम लोग बॉन्डिंग था पहले से दोस्ती आगे भाई बहन का वो चीज को ब्रेक कर गए क्योंकि हम लोग बीच में कॉमेडी घुसा दिया लोगों ने कॉमेडियल बना दिया. तो कॉमेडियल नहीं होना चाहिए इक्वल मिलना चाहिए सबको ओपन टू ऑल होना चाहिए. जैसे भी हो कुछ भी करके हम लोग जो वेस्ट कमिंग का है उसको पहले जैसे भी वोटिंग राइट ओपन होना ही चाहिए. थैंक यू. मेरा नाम केविन सफिंसो है. तो मैं 6th के हूँ 6th इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो इस बार हम लोग ये अरुण भूमि में आने का मकसद ये है कि हम लोग का राइट को डिप्रैक्ट किया जा रहा है. ये जब ऑल वेस्ट कमिंग स्टूडेंट यूनियन का जो अभी आने वाला है इलेक्शन जो कि 2 तारीख से 5 फरवरी को रखा है तो उसमें हम लोग यहाँ देख रहा है कि डेलीगेशन सिस्टम बना रहा है जहाँ पे हर कम्युनिटी से हम वेस्ट कमिंग में 6 ट्राइब्स रहते हैं. तो 6 ट्राइब में हर कम्युनिटी से 50-50 करके वो डेलीगेशन सिस्टम बनाया. तो वहाँ पे अराउंड 450
हम लोग डेलीगेशन सिस्टम में इतना स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि हम लोग का कॉलेज में है 740 आसपास अराउंड है। तो हम आज ये आपसे से अपील करना चाहता है कि ये जो इलेक्शन करना करा रहा है ये फ्री एंड फेयर नहीं है, और बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग का ये इलेक्शन जो हम लोग को राइट मिलना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए सभी स्टूडेंट को जो यहाँ वेस्ट कमिंग में रिसाइड करता है, यहाँ पे रहता है, सभी स्टूडेंट को जो गवर्नमेंट कॉलेज बोंदला में पढ़ रहे हैं उसको ओपन टू ऑल होना चाहिए, क्योंकि एंटायर वेस्ट कमिंग में हमारा एक ही कॉलेज है जो कि आरजीयू से एफिलेटेड है, तो सबको ओपन टू ऑल होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए तो दिरंग स्टूडेंट यूनियन से तो अराउंड 300 स्टूडेंट है, पर जो कि और वो 50 स्टूडेंट को ही सीट चुनेगा, जो कि आज यहाँ पे कोई दिरंग का साथ बैठा हम लोग साथ यहाँ दोस्त लोग बैठा है, पर यहाँ में आज किसी को मालूम नहीं है कि उसका डेलीगेशन में नाम लिस्ट है कि नहीं। तो हम लोग ये चाहता है कि डेमोक्रेटिक वे में कराओ, फ्री एंड फेयर में कराओ, और हम लोग का राइट को जो कटाल मत करो, और एल्स हम लोग स्टूडेंट के पास इतना पावर है कि हम लोग प्रोटेस्ट रैली करेगा, धरना बैठेगा पीसफुल रैली इन ए डेमोक्रेटिक वे, विल डू इट। एंड सो माय लास्ट अपील टू आपसु इज दैट कि आप लोग ये डेलीगेशन सिस्टम को हटाइए और ओपन टू ऑल कर ऑल कीजिए, ताकि किसी का राइट डिप्राइव ना हो। गुड इवनिंग सभी को, माई सेल्फ राजन सेकम, करंटली आई एम पर्सुइंग माय बीए फोर्थ सेमेस्टर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बोंदला। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश छात्र संगठन के जितने भी पद पे हैं, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन चल रहा है, तो उसी में हमारा गवर्नमेंट कॉलेज बोंदला को ओपन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। तो जहाँ तक मुझे पता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग एक सही लीडर को चुनेगा, तो हम लोग का प्लेटफॉर्म यहीं से शुरू होता है, तो हम लोग का बहुत हम लोग का राइट्स को काफ़ी कर्टल किया जा रहा है यहाँ पे। तो मैं हमारा जितना भी आपसे लीडर्स जितना भी है, मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग फ्री एंड फेयर एक इक्वलिटी के साथ हमें वोटिंग राइट्स दिलाइए। थैंक यू। आपसू इलेक्शन होगा तो डीएन कॉलेज को लिमिटेड वोट देता है, आरजू को ओपन टू ऑल किया जाता है। जब डीएसयू इलेक्शन होगा तो डीएसयू वेस्ट कमिंग में एक ही कॉलेज है सरकारी कॉलेज, उसको भी ओपन टू ऑल करना चाहिए, जिसका राइट है उसको पूरा देना चाहिए। हम उनका मांग ये आप सबको दे रहे हैं कि बिफोर रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सोल्यूशन में लाने के लिए कोशिश करता हूँ, हम उनका मेन मकसद वही है।